हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया ने कोरोना की वैक्सीन ढूंढ ली है। क्या आप जानते हो वो किसने ढूंढी है? उसी यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं बात करूंगा। उसका नाम है IMCHINO फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में कोरोना की वैक्सीन ढूंढी गई है। तो आज मैं इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी पिछले 10 सालों से स्टूडेंट्स को रशिया की, यूक्रेन की, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, फिलीपींस या अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को भेजती हैं। हमारी इन सब कंट्रीज़ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट टाइप्स है और IMCHINO फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भी एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी के डायरेक्ट टाइप्स है। हम ये यूनिवर्सिटी को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। IMCHINO यूनिवर्सिटी रशिया की नंबर वन मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई IMCHINO यूनिवर्सिटी बोलता है, कोई IMCHINO कहता है, कोई SCHINO यूनिवर्सिटी कहता है, कोई फर्स्ट मॉस्को यूनिवर्सिटी कहता है। अलग अलग तरीके से लोग उसको जानते हैं। IMCHINO यूनिवर्सिटी रशिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो 1758 में बनी हुई है। 250 साल से भी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात है, ये मॉस्को के अंदर है। मॉस्को रशिया की कैपिटल सिटी है। मॉस्को बहुत ही डेवलप्ड सिटी है। जैसे USA की न्यूयॉर्क सिटी है, उसी तरह से मॉस्को सिटी है। बहुत ही डेवलप्ड, प्रॉपर, वेल मेंटेन्ड सिटी है। अभी मैं रशिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता दूं। वैसे मैंने पिछले वीडियोस में उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन फिर भी आपको ब्रीफ कर दूं कि रशिया में 3+3 होता है स्टडीज़। 3 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स प्री क्लिनिकल होता है और लास्ट के 3 ईयर्स जो होता है वो क्लिनिकल रहता है। तो फर्स्ट 3 ईयर्स जो है वो क्लासरूम बेस्ड ज़्यादा रहता है और लास्ट के 3 ईयर्स जो है वो हॉस्पिटल बेस्ड ज़्यादा रहता है। तो लास्ट के 3 ईयर्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर आपका हॉस्पिटल रहेगा। और सबसे बेस्ट चीज़ IMCHINO यूनिवर्सिटी में ये है कि यहाँ पे 25 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स है इसके एसोसिएशन में और 14 से ज़्यादा आउट पेशेंट क्लिनिक्स है। तो आप समझ सकते हो कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर कितना अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने आगे बताया कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है और फॉरेनर स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी सालों से जाते हैं। 1949 से यहाँ पे फॉरेनर स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं। और दूसरी एक बात के जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है रशिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, कि क्या ये यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम है या बाइलिंगुअल है। तो IMCHINO यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम है। वहाँ पे पूरे 6 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। अभी ये यूनिवर्सिटी में 3000 से ज़्यादा फॉरेनर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और टोटल मिला के ये यूनिवर्सिटी में 4000 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स है, जिसमें डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एसोसिएट प्रोफेसर सब मिला के। चलिए अभी बात करते हैं यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फीस क्या है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारी एजेंसीज रिप्रेजेंट नहीं करती और प्रमोट नहीं करती, इसीलिए स्टूडेंट्स को इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और इस यूनिवर्सिटीज़ की हर एक एजेंट अपने हिसाब से अलग अलग फ़ीस बताता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे एक्चुअल इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस बताता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में हर साल अलग अलग फ़ीस है, तो मैं ईयर वाइज आपको फ़ीस बताता हूँ। तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 6,98,000 रूबल्स, जो अभी के डॉलर रूबल रेट के हिसाब से 9,300 US डॉलर होता है। सेकेंड ईयर की ट्यूशन फ़ी है 7,33,000 रूबल्स, जो US डॉलर में 9,700 है। थर्ड ईयर की ट्यूशन फ़ी है 7,70,000 रूबल्स, जो US डॉलर में है 10,200। फोर्थ ईयर की रूबल में फ़ीस है 8,09,000 रूबल्स, जो US डॉलर में है 10,700 अभी के रेट के हिसाब से। फिफ्थ ईयर में इसकी फ़ीस रूबल में है 8,50,000 रूबल्स, जो अगर हम US डॉलर में कन्वर्ट करें तो 11,300 USD होता है। और सिक्स्थ ईयर में, फाइनल ईयर में, उसकी फ़ीस है 8,93,000 रूबल्स, जिसको अगर हम US डॉलर में कन्वर्ट करें तो 11,900 US डॉलर होती है फ़ीस।
तो आई एम सेचेनोव की ईयर वाइज फ़ीस जो मैंने आपको बता दी, तो इसकी फ़ीस बेसिकली बहुत हाई रहती है। अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी का पैकेज ही आपको 45 to 50 lakhs रुपीज़ का 6 साल का बनेगा। और हॉस्टल की फ़ीस के बारे में बता दूँ, हॉस्टल यहाँ की $2,500 से लेके $3,000 पर ईयर है, $2,500 से लेके $3,000 पर ईयर इसकी हॉस्टल की फ़ीस है। तो अगर आपका बजट 50 लैक्स से ऊपर का है, 50 टू 60 लैक्स का है, तो आप आई एम सेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, बेस्ट एजुकेशन की गारंटी है। और अगर आपका उतना बजट नहीं है, आपका बजट 20 लैक्स के आसपास का है, तो इसी स्टैंडर्ड की एक यूनिवर्सिटी है रशिया में, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम में अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पे भी 25 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स है उसके एसोसिएशन में, और क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को अच्छा मिलता है। लेकिन वो मॉस्को में नहीं है, उफा सिटी में है, वो भी काफ़ी बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी है। लेकिन अगर आपको 50 लाख से ज़्यादा का आपका बजट है, तो आई एम सेचेनोव इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपको आई एम सेचेनोव या बशकीर में या क्रीमिया में या दूसरी रशिया की या दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो आप एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट करिए, आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़र की जाएगी और बेस्ट सर्विस वो भी लोवेस्ट पैकेज में ऑफ़र की जाएगी। तो मिलते हैं फिर दूसरे नए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।